हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, लेसन 7, एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल बच्चों वो होता है जिसमें अपन टेबल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो हम एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर के अंदर करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो भी हमारा टाइपिंग टाइपिंग वाला जो भी रिटर्न वाला जो वर्क होता है या ऑफिशियल लेटर होते हैं वो हम एमएस माइक्रोसॉफ्ट में करते हैं, ठीक है बेटा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो है रिपोर्टिंग या जो भी टाइपिंग वाला जो भी वर्क है वो उसमें करते हैं, और टेबल से रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो हम एमएस एक्सेल के अंदर करते हैं, ठीक है। नाउ स्टार्ट दिस चैप्टर, एमएस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2008 इज अ पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट अलाउज यू टू ऑर्गेनाइज डेटा, कंप्लीट कैलकुलेशन, मेक डिसीजन, ग्राफ डेटा, डेवलप प्रोफेशनल लुकिंग रिपोर्ट्स, पब्लिश ऑर्गेनाइज डेटा टू द वेब एंड एसेस रियल टाइम डेटा फ्रॉम वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट जो है बच्चों एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो कि यह हमको जो क्या कि ऑर्गेनाइज डेटा, कंप्लीट कैलकुलेशन, ये जो है कैलकुलेशन कंप्लीट करने में डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और जो टेबल के अंदर जो हम डिसीजन निकालते हैं तो मैक डिसीजन के लिए, ग्राफ डेटा के लिए, है ना, प्रोफेशनल कोई रिपोर्ट हमें शो करनी होती है उसमें, पब्लिश जो ऑर्गेनाइज करना होता है, पब्लिश जो डेटा वेबसाइट के द्वारा करता है करना होता है, और एसेस रियल टाइम और रियल टाइम वेबसाइट पे पहुंचाना होता है, तो वो किसमें होता है, एमएस एक्सेल प्रोग्राम में होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ गया कि डेटा से रिलेटेड जो भी हमारा टेबल से रिलेटेड जो रिपोर्ट वगैरह जो भी वर्क होता है वो एमएस एक्सेल में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, एक्सेल अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम, ठीक है। एक्सेल जो है वो किसमें बना हुआ है, रोज एंड कॉलम से बना हुआ होता है, ठीक है। उसमें हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं किसमें, रो एंड कॉलम्स के अंदर, ठीक है बच्चों। दिस रो एंड कॉलम्स कलेक्टिवली आर अ वर्कशीट, ठीक है। ये रो और कॉलम्स क्या कहलाते हैं, वर्कशीट कहलाते हैं। फोर इयर्स पीपल यूज्ड मैनुअल मेथड सच एज दोस परफॉर्म्ड विद पेंसिल एंड पेपर टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम। बहुत पहले समय में क्या करते थे लोग, अपने हाथों की पद्धति, जैसे कि वो कोई भी को टेबल बनानी होती थी तो क्या यूज करते थे, पेंसिल और पेपर यूज करते थे, ठीक है। और पेंसिल और उस पेपर के द्वारा क्या करते, स्केल से जो क्या यूज करते थे, रो और कॉलम बनाते थे, ठीक है। फिर उसमें डेटा फिट करते थे, ठीक है बच्चों। तो द डेटा इन द इलेक्ट्रॉनिक द डेटा इन एन इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज इन द सेम मैनर एज इज डन इन अ मैनुअल वर्कशीट। और इस प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक शीट है एमएस एक्सेल, उसी तरीके का ये भी कार्य करती है जिस तरीके से जो मैनुअल हाथों के द्वारा जो कॉलम और रोज जो वर्कशीट बनी हुई थी वो ही एमएस एक्सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक एक शीट होती है, और उसका भी उसी तरीके से वर्क होता है जिसमें अपन डेटा फिट कर सकते हैं, अपन लिख सकते हैं। एज लाइक एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैज बेसिक फीचर्स टू हेल्प यू क्रिएट, एडिट एंड फॉर्मेट वर्कशीट। इसी तरह एमएस वर्ड जो सॉफ्टवेयर है ना, वो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, इनकी कुछ विशेषताओं की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डेटा को एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और वर्कशीट के अंदर फॉर्मेट फिट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स्टार्टिंग एमएस एक्सेल। आप अच्छे से जानते हो बच्चों कि कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर अपन जब वर्क करते हैं तो एवरी वर्क जो होता है वो हमको स्टार्टिंग से ही करना पड़ता है ना। और स्टार्टिंग तो आपको पता ही है, हर चीज में जब भी हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं, उसके बाद जो सामने लिस्ट जो आती है वो उसके अकॉर्डिंग हम उस पर क्या करते हैं, माउस द्वारा क्लिक करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट बिफोर यू बिगेन वर्किंग विथ एक्सेल यू मस्ट ओपन द प्रोग्राम विंडो, ठीक है। वर्क करने से बिफोर यू बिगिन वर्किंग, है ना, कार्य शुरू करने से पहले एक्सेल में क्या करना पड़ता है, हमें उसकी विंडो को ओपन करना पड़ेगा, है ना। ओपन द विंडो प्रोग्राम को ओपन करना पड़ेगा। फॉलो दिस स्टेप, ओपन एक्सेल 2010। और इस टाइप से हमें जो स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट है आपकी, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेन्यू विल अपीयर। स्टेप टू, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स,
Step 3, click on Microsoft Office. Step 4, click on Microsoft Excel 2010. The Excel workbook will appear. और जैसे आपने Microsoft Excel पे क्लिक करोगे बच्चों, तो आपकी वर्कशीट जो है सामने अपीयर हो जाएगी, मतलब आपके सामने दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है एन एम्प्टी वर्कबुक टाइटल्ड बुक वन इज डिस्प्ले इन द एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो जो है इस टाइप की बच्चों जो विंडो है आपके सामने अपीयर हो जाएगी और पूरी ये एम्प्टी होगी, मतलब बिल्कुल ब्लैंक होगी, खाली होगी। ठीक है ना, और इस टाइप से पहले से ये रो और कॉलम बने हुए होंगे। ठीक है, दैट विंडोज टास्क बार डिस्प्ले द एक्सेल प्रोग्राम बटन इंडिकेटिंग दैट एक्सेल इज रनिंग द एक्सेल विंडो। अब हम एक्सेल विंडो के बारे में पढ़ेंगे। द एक्सेल विंडो डिस्प्ले मेनी आइटम दैट यू कैन यूज टू क्रिएट एंड वर्क विथ योर वर्कबुक। वर्कबुक के अंदर वर्क करने के लिए हम ये जो सारी जो थिंग्स है वो सारी यूज करते हुए वर्क करते हैं। क्या चीजें होती है, जैसे कि फर्स्ट ये हमारा टाइटल बार। इस विंडो को पहले बच्चों इस पिक्चर्स को हम अंडरस्टैंड होंगे। ठीक है, ये है टाइटल बार सबका ऊपर वाला पार्ट, और दिस यहाँ पे आपके प्रोग्राम कंट्रोल बटन है जिससे आपका प्रोग्राम जो है कंट्रोल होगा, क्लोज होगा, मिनिमाइज होगा, ये तो आपको सबको पता है ना। नेक्स्ट आपका क्विक एक्सेस टूल बार, जो जल्दी से आप उस टूल बार को यूज करते हो वहां तक आप जल्दी से पहुंच सकते हो। ठीक है, ये वाली जो बच्चों साइन है वो फाइल टाइप का है। इस पिक्चर को बच्चों अच्छे से आपको समझना है, जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो जनरली ये सारी चीजें मैं आपको प्रैक्टिकल में पूछूंगी। ठीक है, तो ये आपको पिक्चर्स अच्छे से लर्न करना है। जो विंडोज के अंदर जो भी एक्टिविटीज बता रही है, थिंग्स बता रखी है, ये सारे आपको मुझे बताने होंगे। ठीक है, तो आप इन पिक्चर्स को अच्छे से लर्न कर रहे हो। ठीक है, फर्स्ट ये जो एरिया है इसको क्या कहते हैं, एक्टिव सेल। ये जो डार्क वाला एरिया वो एक्टिव सेल होगा। ठीक है बच्चों, ये फाइल टाइप है नेम बॉक्स विद द एक्टिव सेल रेफरेंस, ये वो रेफरेंस दे रहा। ठीक है, हाईलाइट हेडिंग इंडिकेट सेल एज वेल इज एक्टिव। ठीक है, ये हाईलाइट होके ये बताएगा कि ये जो सेल है जो क्या है, ये A1 पूरा एक्टिव सेल है, इससे ये शो हो रहा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका वर्कशीट विंडो। ये जो वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, वर्कशीट विंडो कहलाती है। ठीक है, जो ओपन है वो क्या है, वर्कशीट विंडो। और नेक्स्ट जो आपका ये जो दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये आपका रो हेडिंग है। क्या है, रो हेडिंग, ये वाला जो पार्ट होते हैं वो रो हेडिंग होते हैं। नेक्स्ट टैप स्क्रॉलिंग बटन, यहाँ जो लिख रखा है टैप वन, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, ये सारे जो है वर्कशीट टैब्स है। क्या है, वर्कशीट टैब्स। ठीक है, और यहाँ जो है स्क्रोल बार है आपका, एक तो यहाँ होता ही आपको पता है यहाँ पे क्या होता है, स्क्रोल बार होता है जिससे अपन ऊपर नीचे फाइल के सारे कंटेंट देख सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट एक यहाँ होता है व्यू बटन, देखने के लिए कि वापस से सारी जो प्रीवियस वाली है या लास्ट वाली है जो चीज जो भी अपने को देखना था, तो व्यू बटन से हम चेक करते हैं विंडो के अंदर। ठीक है, और ये वाला जो दिख रहा है बच्चों, ये जूम स्लाइडर है। किसी भी स्लाइडर को जूम करना हो, बढ़ा करके देखना हो, तो आप जूम कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये वाला रिबन है, रिबन वाला पार्ट जिसमें फाइंड एंड सेलेक्ट है। कोई भी चीज अपने को यहाँ सेल में फाइंड करनी हो तो रिबन बटन पे जाके आप सेलेक्ट करोगे तो चीज फाइंड हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं बच्चों पर। व्हेन यू ओपन एक्सेल प्रोग्राम अ ब्लैंक वर्क बुक इज डिस्प्ले विच इज कॉल्ड बुक नंबर वन। जो सामने फर्स्ट विंडो के सामने हमारी ये विंडो ओपन होगी तो ये हमारी क्या कहलाएगी, बुक नंबर वन विंडो कहलाएगी। ठीक है, द बुक द वर्कबुक लुक्स लाइक ए नोटबुक। और ये जो वर्कबुक दिखती है वो किसके जैसे दिखेगी, आपको नोटबुक की तरह दिखेगी। ठीक है, टाइटल बार शो द नेम ऑफ द डिस्प्ले डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करेगी जहां पे अपन टाइटल बार पे अपना नेम्स लिखते हैं डॉक्यूमेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट बच्चों है फाइल टाइप डिस्प्ले द बैक स्टेज व्यू वेयर यू कैन मैनेज फाइल इंफॉर्मेशन एंड सेव, शेयर, प्रिंट, प्रोटेक्ट एंड वर्क विद वर्जन इंफॉर्मेशन फॉर द डॉक्यूमेंट। क्विक एसेस टूल बार डिस्प्ले क्विक एसेस बटन टू द सेव, अंडू एंड रीडू कमांड्स। ठीक है ना, क्विक एसेस टूल बार में क्या क्या चीजें होती हैं, सेव वाले जो ऑप्शन उसमें होता है, अंडू होता है और रीडू कमांड होता है। ठीक है, रिबन डिस्प्ले ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स इन टैब्स। इस स्टेप ऑफर शॉर्टकट बटन टू कमांड टास्क। प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, प्रोग्राम को कंट्रोल करने वाला
program window control. Button are used to minimize the program window, restore the window to full size or close the window. ठीक है, इसके द्वारा हम विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना. द वर्कबुक कंटेन शीट्स कॉल्ड वर्कशीट. ठीक है ना, वर्कबुक की जितनी कंटेंट्स, जितने भाग है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं. अ न्यू वर्कबुक कंटेन थ्री वर्कशीट. एक न्यू वर्कबुक जो होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, थ्री पार्ट होते हैं, थ्री वर्कशीट्स होती हैं. यू कैन ऑल्सो एड एडिशनल वर्कशीट. उसके अलावा आप और भी एक्स्ट्रा शीट भी ऐड कर सकते हो, अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 255. ठीक है, लिमिटेशन आपको दे रखी है कि 255 तक आप जो है ऐड कर सकते हो शीट्स को. इस शीट्स हैज अ नेम डिस्प्ले ऑन अ शीट टेप एट द बॉटम ऑफ द वर्कबुक. फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के रूप में बता रखा कि शीट वन इज द नेम ऑफ द एक्टिव वर्कशीट डिस्प्ले इन द वर्कबुक कोल्ड बुक नंबर वन. इफ यू क्लिक ऑन द टेप लेबल्ड शीट टू तो एक्सेल डिस्प्ले द शीट टू वर्कशीट. ठीक है बच्चों, इसमें बता रखा है जिसे अपन ने वर्कबुक, जैसे यहाँ पे तीन शीटों का यहाँ पे दे रखा है 1, 2, 3. जो शीट आप जो ओपन करना चाहोगे, जो क्लिक करोगे तो वो शीट आपकी ओपन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज इन टू अ रेक्टेंगुलर ग्रिड कंटेनिंग कॉलम्स एंड रोज. वर्कशीट जो है वो रेक्टेंगुलर ग्रिड से बनी हुई थी. जो वर्कशीट इज ऑर्गेनाइज इन टू अ रेक्टेंगुलर ग्रिड कंटेन कॉलम्स एंड रोज. वर्कशीट जो है रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार जाल के रूप में बना हुआ था. किससे? कॉलम और रोज से बना होता है. ठीक है, अ कॉलम लेटर अबाउट द ग्रिड ऑल्सो कॉल्ड कॉलम हेडिंग आइडेंटिफाई इच कॉलम. अ रो नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द ग्रिड ऑल्सो कॉल्ड रो हेडिंग आइडेंटिफाई इच रोज. ठीक है, अब ये चीजें बच्चों आपको प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा. ठीक है, द हॉरिजेंटली एंड वर्टिकली लाइन्स रिप्रेजेंटिंग रोज एंड कॉलम्स ऑन द वर्कशीट्स आर कॉल्ड ग्रिड लाइन्स. अब ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल जो लाइन्स आपको जो दिख रही है बच्चों, तो इन रोज और कॉलम को हम क्या कहते हैं, वर्कशीट की क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन्स कहते हैं. ठीक है, ग्रिड लाइन्स अलाउ अस टू सी एंड आइडेंटिफाई इच सेल विद इन अ वर्कशीट. द ग्रिड लाइन कैन बी टर्न्ड ऑफ सो दैट दे आर नॉट डिस्प्ले ऑन द वर्कशीट बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू लीव देम ऑन. द माउस पॉइंटर इन द अर्लियर पिक्चर हैज द शेप ऑफ अ प्लग साइन. द माउस पॉइंटर इज डिस्प्लेड एज अ ब्लॉक प्लग साइन व्हेन एवर इट इज लोकेटेड इन अ सेल ऑन द वर्कशीट्स. अनदर कॉमन शेप ऑफ द माउस पॉइंटर इज द ब्लॉक एरोस. द माउस पॉइंटर टर्न्स इन अ ब्लॉक एरो व्हेन एवर यू मूव इट आउटसाइड द वर्कशीट और when you drag cell contain between rows and columns. Okay, next आपका वर्कशीट विंडो अलाउ अस टू व्यू द पोर्शन ऑफ द वर्कशीट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन. ठीक है ना, वर्कशीट विंडो जो है हमको ये देखने के लिए अलाउ करती है कि कौन सा जो स्क्रीन के ऊपर जो है शीट का पार्ट स्क्रीन के ऊपर है. बिलो एंड टू द राइट टू राइट ऑफ द वर्कशीट विंडो आर स्क्रोल बार एंड स्क्रोल एरोज विच यू कैन यूज टू मूव एंड मूव द विंडो अराउंड टू व्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द एक्टिव वर्कशीट. आप जो है स्क्रोल बार के द्वारा जो है विंडो के अंदर अलग अलग प्रकार की जो आपकी शीट तैयार है उसको आप वन बाय वन देख सकते हो और उसपे उसको एक्टिव कर सकते हो. टू द राइट ऑफ द शीट टेप्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज द टेप स्लिट बॉक्स. राइट साइड के अगेन रिपीट टू द राइट ऑफ द शीट टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन. स्क्रीन की राइट साइड में क्या होता है, टेप शीट टैब्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टेप स्लिट बॉक्स कहते हैं. ठीक है ना, इज द टेप स्लिट बॉक्स बॉक्स के अंदर होता है. यू कैन ड्रैग द टेप स्लिट बॉक्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द व्यू ऑफ द शीट टैब्स. आप माउस पॉइंटर के द्वारा ड्रैग करके जो है जो स्क्रीन टैब्स
स्प्लिट बॉक्सेस है ना, टैब स्प्लिट बॉक्सेस, उसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। व्हेन, किसको, शीट्स को। व्हेन यू डिक्रीज द व्यू ऑफ द शीट टैब्स, आप जो है शीट टैब से क्या है, आप उस शीट को डिस्क्रीज करके बड़ा करके देख सकते हो। यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द हॉरिजेंटल स्क्रोल बार एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है बच्चों आपका वेरियस डेटा टाइप्स